देखिए आपके वाक्य में ही इसका संदर्भ लिखा है, बहुत लंबे समय से हो फिर अचानक कैसे हो सकता है। जो चीज बहुत लंबे समय से चली आ रही हो, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेके 1951 में जनसंघ की स्थापना से लेके हमारे मुख्य मुद्दों में से एक था, और ये उससे पहले से है। संविधान निर्माताओं के मनोभाव यही थे कि एक कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं बता देना चाहता हूं, 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा की डिबेट में बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा था कि मेरे ये समझ से परे है कि क्यों एक समान भारतीय कानून नहीं होना चाहिए। वो उदाहरण दे रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने में 1939 से पहले तक सब जगह कॉमन कानून था, इवन वो इलाके जो आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो खैबर पख्तूनवा है उसमें भी कॉमन सिविल कोड था। तो उन्होंने कहा हम स्वतंत्र भारत में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब संविधान के आर्टिकल 44 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें लिखा हुआ है कि शैल इंडिवर, यानी राज्य को यह प्रयास करना है, इसे सुनिश्चित करना है कि ये होगा। और एक नहीं, कम से कम 4 या 5 बार तो सर्वोच्च न्यायालय और कम से कम 10 बार अनेक राज्यों के उच्च न्यायालय कह चुके हैं, फिर भी किसी को अचानक नजर आता है तो मुझे इसमें बहुत समस्या नजर आती है। कारण एक और बात बता दूं, कॉमन सिविल कोड इस देश में तो एक जगह लागू है, गोवा में, जो हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड राज्य है। तो कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का मुद्दा नहीं है, ये बताइए, क्रिश्चियंस ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की है, ना सिखों ने, ना बौद्धों ने, ना यहूदी, ना पारसी, ना जैन, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए ये बचकाने तर्क कांग्रेस को नहीं देने चाहिए। 2014 में हमारी सरकार आई थी, 2019 तक हमारा राज्यसभा में बहुमत था, क्या हम ऐसा कोई प्रस्ताव पारित करवा सकते थे? 2019 के एंड में हमारे पास बहुमत आया, हमने 35 से 370 दोनों हटाया। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया, 2 साल तो कोविड में चले गए, तो 1.5-2 साल आए। और कांग्रेस वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, सुनिए, ये जानते हैं क्यों नहीं हो पाया? वो मानसिकता आज तक है। मैं कोट कर रहा हूं जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में एक हंगेरियन जर्नलिस्ट जिसका नाम था टिबोर मेंडे, उसको दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा है, लंबा इंटरव्यू दिया है 3 घंटे का, जिसे उसने अपनी किताब नेहरू द कन्वर्सेशन विद नेहरू ऑन इंडिया एंड द वर्ल्ड, उसमें कॉमन सिविल कोड के बारे में पूछा। अब नेहरू बड़े गर्व से बता रहे हैं कि मैंने हिंदू समाज के लिए तो परिवर्तन कर दिया है, वहां कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता, यह गुनाह हो गया है, वहां पर सक्सेशन में हम पर्सनल लॉ भी ला रहे हैं। बट वर्ड जानते हैं नेहरू क्या प्रयोग करते हैं, बट वी, वो पूछता है तो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं, तो कहते हैं वी कैन नॉट डेयर टू टेक दिस स्टेप फॉर मुस्लिम्स, हमारी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है कि हम मुसलमानों के बारे में यह बात कहें। अब वो कहता है, जर्नलिस्ट कहता है, जब टर्की में हो सकता है जो मुस्लिम देश है वहां कॉमन सिविल कोड हो गया तो यहां क्यों नहीं, कहते वो मुस्लिम देश है इसलिए कर सकता है, हम तो ऐसे देश हैं जहां मुसलमानों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम उनकी धार्मिक भावना में जरा भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे विचार से नेहरू जी के भक्तों को कम से कम अपने ही नेहरू जी के वक्तव्य ध्यान रहे, वही मानसिकता जो 56 में थी वो 2023 में है कि दे कैन नॉट डेयर। और उस डेयर ने क्या किया है, मैं एक वाक्य और पूरा कर दूं, उस डेयर ने जानते हैं नुकसान मुसलमानों का किया है। कैसे, ये देश जब आजाद हुआ तो आप जितनी माइनॉरिटीज हैं, ना क्रिश्चियन रियासत थी कोई, ना पारसी रियासत थी, 1-2 महाराजा पटियाला को छोड़ दें तो सिख रियासत नहीं थी, ना बौद्ध रियासत थी, और सारी माइनॉरिटीज आज क्या प्रॉस्परस है। मैं आपसे पूछता हूं, भारत की सबसे पढ़ी लिखी माइनॉरिटी कौन है? पारसी, 0.1%। सबसे प्रॉस्परस, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले कौन है? माइनॉरिटी है, जैन 1%। सबसे इंटरप्रेन्योर कौन है? सिख 1.8%। सब कहां से कहां पहुंच गए, और ये अपनी अलग व्यवस्था बनाने के चक्कर में मुस्लिम समाज जिसकी रियासतों की लाइन थी, नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम, वो सब आके आज कहते हैं कि साहब हम तो सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन देख लीजिए, हम इतने पीछे रह गए। अब अंत यहां पर एक लाइन और कर दूं, ये जानते हैं क्यों हुआ है? आरिफ मोहम्मद खान साहब ने उल्लेख किया था कि राजीव गांधी जी जब शाबानो केस लाए तो उन्होंने इस विषय को जब उठाया तो राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा था कि तुम इन चक्करों में क्यों पड़ रहे हो, तो आरिफ साहब ने कहा ये मुसलमानों के को उस समस्या से निकालने की बात है। तो कोट अनकोट ये आरिफ साहब का रेफरेंस है कि राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगर मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, सारी समस्या की जड़ ये है। शादीगर जनगणना के पक्ष में है कि नहीं, बाकी बात तो बाद में करेंगे, पूछिएगा अभी।
देखिएगा सब दाएं बाएं कर जाएंगे। जैसे कारण क्या है, जैसे इन्होंने कहा ढोल पहले बजते हैं, इनका बाजा और गजब है। आप बाजा बजाएंगे आवाज ही नहीं आएगी, सुनिए कम से कम। अरे अरे मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम बताएंगे आपको देश में क्यों ना बोले, बता दीजिए। नहीं नहीं हम बिल्कुल आपको बताते हैं। देखिए इनका बाजा और भी गजब है, ये बाजा बजेगा आपको आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। तो आप पूछेंगे ये बाजा कैसा है, तो ये कहेंगे ये शामिल बाजा है। शामिल बाजा क्या होता है, जब और बाजे बज रहे होंगे तब इसकी आवाज सुनाई पड़ेगी, वरना इस बाजे की कोई आवाज नहीं है। इसीलिए कांग्रेस इस मुद्दे पे बहस से भी बाहर भागती है। वो तो चलिए आचार्य जी आ गए हैं, अन्यथा समस्या जानते क्या है, जब किसान कानून आए तो इन्होंने कहा चर्चा क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं सबसे विषय मांगे गए। अरे भाई जो लॉ कमीशन है वो एक वैधानिक संस्था है, उसने सुझाव ही तो मांगे हैं कि भाई सिर्फ सांसदों का ही नहीं, जनता का भी कोई सुझाव हो तो वो दे दें। अब उस सुझाव पे चर्चा हो रही है साहब, चर्चा क्यों होनी चाहिए। और जो ये कहे कि मसौदा आने के बाद, अरे उससे पहले सैद्धांतिक तय होना चाहिए, ये उस प्रकार का तर्क है या कुतर्क है कि जब स्वतंत्रता का आंदोलन हो रहा था तब ये थोड़ी कहा जा रहा था संविधान पहले बनाओ, ये बताओ कौन कौन सा क्लाज होगा, पूरा मसौदा होना चाहिए तब हम तय करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में आना है कि नहीं। सिद्धांत रूप में था कि पहले अंग्रेजों को बाहर भगाना है, वैसे ही पहले बताइए कि समानता लाना है कि नहीं। इस देश विचित्र में, ये लोकतंत्र के लिए आपने आवाज, ये दुनिया में लोकतंत्र के लिए एक पहेली है देश, जहां समानता जिसमें हो उसमें सांप्रदायिकता नजर आती है, और जिसमें विशेषाधिकार हो सिर्फ उसी में धर्मनिरपेक्षता नजर आती है। और मैंने पुनः कहा हम कब डिवीजन कर रहे हैं, बताइए ना कौन सी माइनॉरिटी को प्रॉब्लम है। किसी सिख का नाम लीजिए, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, क्यों सिर्फ एक ही को प्रॉब्लम क्यों है, और उसी को जो ये कहता हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है। एक मुझे वाक्य ध्यान आ गया, संशोधन कर दूं, इन्होंने कहा कि 800 साल हुकूमत की नहीं कहा, अरे आपने तो और ज्यादा कहा, आपके जमाने की किताबों में तो लिखा गया 800 साल शानदार हुकूमत की मुगलों ने, और उन्हीं की वजह से देश आजाद हुआ। आप तो वैसी से भी बढ़ के निकले भैया। अच्छा मतलब संविधान से ऊपर है आयोग, कोई आयोग संविधान से ऊपर है, जब संविधान कह रहा है शैल इंडेवर और वो कह रहा है नाइदर नेसेसरी नॉर रिक्वायर्ड। आप तो वैसे तो नया विधि आयोग आ गया, आप तो नया विधि आयोग आ गया, पुरानी बात खत्म। मजे की बात यह है, गोवा का कोई आपको स्टेटमेंट सुनाई पड़ा किसी को कि साहब मेरा वो तो धार्मिक अधिकार है और यदि हटाया गया तो ये होगा वो होगा, ये तो यही खोज खोज के ला रहे हैं भाई, यही प्रॉब्लम है। मुद्दा ये नहीं है कि कानून की इंट्रिकेसीज क्या क्या होंगी और उनमें कैसे समाधान होगा, महत्वपूर्ण ये है कि साहब मेरा स्पेशल स्टेटस रहना चाहिए। और दूसरी बात, अगर भाई क्या आपने रिटर्न पे बोलिए, और गोवा से तो इतना अगर इनको एवर्जन है तो आपको पता है शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा, जो कास्ट शब्द कहते हैं ना, ये कास्ट शब्द इंग्लिश का नहीं है, ये पुर्तगीज भाषा का शब्द है, कास्टा, उससे कास्ट बना है, जिसका जमीन आसमान का अंतर है उस संदर्भ में जो भारत में प्रयोग होता दूसरा, क्योंकि सबसे पहले भारत में आने वाले हमें गुलाम बनाने वाले यूरोपीय पुर्तगीज थे, जो गोवा से लेके पांडिचेरी और केरल तक गए थे, वहां से आयातित विचारधारा है। यही प्रॉब्लम है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी कोई गोवा का कानून को लेकर कह रहा सब ऐसा, जबकि वहां कोई गोवा वाला नहीं बोल रहा है, तो कोई गोवा की जो पुर्तगीज शब्दावली को लेकर बोल रहा है। और मैं एक बात और कह दूं, अभी बात इन्होंने बड़ा अच्छा बोला था कि यह देश मल्टी कल्चरल है, हाँ ये दुनिया में इकलौता देश अगर आपसे पूछे कोई जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो तो वो सिर्फ भारत है। यदि आपसे पूछे कि वो पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए वो अगर फल फूल रहे किसी देश में तो सिर्फ भारत है। यदि वो कोई एक देश जहां पर कि यहूदियों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ तो वो सिर्फ भारत है। और बताऊं अगर कोई एक देश जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो वो कोई मुस्लिम देश नहीं है, वो सिर्फ भारत है। वो कोई एक देश जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते वो सिर्फ भारत है, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य देश है, क्योंकि हिंदुत्व यहां का मूल आधार है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं अटल जी की जो कविता थी ना, मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल उर विशाल, मेरे वैभव से शोभित है परकियों का वह राज मुकुट, कल इन चरणों में झुक जाए फिर वह किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हमारी ये उदारता थी, उस उदारता को ये सांप्रदायिकता सिद्ध करने में लगे हुए हैं, इस बात का हमें बड़ा अफसोस। देखिए बड़ी मजेदार बात है, क्या आदिवासी समाज से किसी ने आके कुछ कहा है, मगर आदिवासी समाज की बात कौन करता है, वो जो ये कहते हैं कि हम तो साहब बादशाह थे, हम तो जिल्ले इलाही थे, हम तो आलमगीर थे, हम तो सुल्तान आलम थे, हम तो हुजूर नवाब थे, हम तो हुक्मरान वक्त थे,
आज कहते हैं ट्राइबल के साथ जरा मेरा वो कंपैरिजन करने की कोशिश करिए, इसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश करना। अरे भाई आप किस चीज से क्या तुलना कर रहे हैं? जवाब देना चाहूंगा मैं, तुलना उससे हो सकती है जो इस देश के ऊपर सैकड़ों साल हुकूमत करने के बाद आज कह रहे हैं? और क्या किसी ट्राइबल समाज के व्यक्ति ने आके ये कहा है? हाँ, जब विषय होगा तो सारी बातों को समान रूप से ये देखा जाएगा, परंतु सिद्धांत रूप में जो विरोध है वो सिर्फ एक ही समाज से आ रहा है, जैसा कि इन्होंने बहुत सही कहा, और कुछ नहीं है, केवल उस समाज को। फिर मैं वही वाक्य रिपीट कर रहा हूं जो राजीव गांधी जी के जमाने में कहा गया कि उसको उसी में बंद रखो ताकि उसके आधार के ऊपर एक थोक वोट बैंक बना रहता है और चंद लोगों के माध्यम से उसकी जो जिसे कहते हैं कि व्यापार तिजारत होती रहे, बस इसके लिए सारा का सारा झगड़ा है। और जैसे आजकल आपने सुना होगा ना, एक ओपन ट्रेड में आता ना मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, कि हर चाहता है कि मेरी मोनोपोलीज बिजनेस पे बनी रहे। तो ये जितने भी तथाकथित सेकुलर दल है इनमें और कुछ नहीं, वो वोट बैंक जो दिख रहा है उस पर मोनोपोली किसकी बनी रहे उसके लिए सारा का सारा झगड़ा है। और आप वो मोनोपोली तोड़ के वो वोट लेना चाहते हैं, इसलिए ये आपका झगड़ा है। और देखिए ये जो एक दुष्प्रचार किया जाता है कि साहब ये हिंदू कोड बिल है जो लागू किया जा रहा है, बहुत स्पष्ट कर दूं, वो हिंदू कोड बिल का हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं था। जो मैंने पहले ही आपको उदाहरण में बता दिया, वो हिंदू कोड बिल नाम इसलिए रखा गया क्योंकि नेहरू जी हिम्मत नहीं कर पाए किसी अन्य पे लागू करने की, इसलिए वो सिर्फ हिंदू समाज पे लागू था, इसलिए उसका नाम हिंदू कोड बिल रखा गया। दूसरा, इन्हें इस बात की समस्या है तलाक के प्रकार को लेके। अरे भाई, आपके यहां तलाक का विधान तो है? हिंदू धर्म में तलाक का कोई विधान ही नहीं है। हमारे यहां शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, शादी एक संस्कार है, 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। हमारे यहां दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है, दो परिवारों का ही संबंध नहीं है, ये दो आत्माओं का संबंध है, इसलिए हमारे यहां जन्म जन्मांतर का संबंध है। इसीलिए मैं चुनौती से कहता हूं, कोई हिंदू धर्म जहां पर तलाक वर्ड या संबंध विच्छेद का विधान हो, परंतु आज युग बदला, व्यवस्था बदली, हमें लगा कि यह होना चाहिए। अरे साहब, तो चेंज तो हमने अपने अंदर किया है, जो आप हम पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट तो यह है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का कॉन्सेप्ट था तलाक, जिसे हमने एक्सेप्ट किया है मॉडर्निटी के नाम के ऊपर, और उल्टा यह कह रहे हैं साहब इनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एक्सेप्ट नागालैंड में कैसे होगा?